दोस्तों, वन प्लस अपना न्यू स्मार्टफोन वन प्लस नोट 4 को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने के लिए तैयार है और लॉन्चिंग से पहले इस फ़ोन का सारा डिटेल्स बाहर निकल के आ गया है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ये फ़ोन लुक वाइज कैसा होगा, इस फ़ोन में क्या क्या चीज़ें मिलेगा, सारा कन्फर्म डिटेल्स आपको बताएंगे और बताएंगे कि ये फ़ोन इंडियन मार्केट में कितने प्राइस पर लॉन्च होगा और सारे डिस्काउंट के बाद ये फ़ोन आपको कितने में मिल सकता है और ये फ़ोन अमेज़ॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में कितने में मिलेगा ये भी बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं पूरे डिटेल्स में वन प्लस नोट 4 के बारे में। सबसे पहले इस फोन के लुक का बात करें तो इस फोन का बैक लुक कुछ इस तरीके का होगा जैसा कि आपको दिख रहा होगा। बैक साइड से फ़ोन बहुत अच्छा होगा। इस फोन के बैक साइड पे मेटल प्लस ग्लास का डिज़ाइन मिलेगा। कैमरा के पास वाला एरिया ग्लास का होगा और बाकी का एरिया मेटल का रहेगा और दो कैमरा का सेटअप रहेगा और डुअल LED फ्लैश मिलेगा। फ़ोन का फ्रेम मेटल का ही होगा। फ़ोन इन हैंड फील अभी बहुत अच्छा होगा। जब आप फ़ोन को हाथ में लेंगे तो आपको प्रीमियम सा फील देगा और मर्क्यूरियल सिल्वर कलर में पैटर्न का डिज़ाइन भी मिलेगा जो कि कुछ इस तरीके का होगा। और इस फोन का बैक लुक प्रीवियस वन प्लस नोट 3 के कंपैरिजन में डिफरेंट होगा। वहीं फ़ोन फ्रंट साइड से फ्लैट डिस्प्ले के साथ ही आएगा जो कि सेंटर पंचोल वाला होगा, जहां साइड का बेजल्स और चिन्ह बहुत कम रहेगा। फ़ोन फ्रंट साइड से भी बढ़िया होगा। कुल मिलाकर के देखिएगा तो फ़ोन डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी में बेस्ट रहने वाला है। वहीं इस फोन के डिस्प्ले का बात करें तो इसमें 6.7 इंच का 1.5K के रेजोल्यूशन वाला एक OLED डिस्प्ले मिलेगा जो कि सेंटर पंचोर वाला फ्लैट डिस्प्ले होगा। इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी रहेगा। इसमें 2150 नीट्स तक का पीक ब्राइटनेस भी रहेगा। इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी रहेगा और इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी होगा। देखिए, फ़ोन डिस्प्ले में बेस्ट रहेगा। जब आप फ़ोन को चलाएंगे तो फ़ोन चलाने में आपको एकदम स्मूथ लगेगा, फ़ोन मक्खन का जैसा चलेगा। स्क्रोलिंग में, ब्राउजिंग में, ऐप ओपन क्लोज में, ये सब में परफेक्ट होगा और वीडियो व्यू एक्सपीरियंस में भी बेस्ट होगा। जब आप इसमें कोई भी हाई क्वालिटी का वीडियो प्ले करेंगे या कोई हाई रेजोल्यूशन का मूवी देखेंगे या कोई हाई रेजोल्यूशन का सॉन्ग प्ले करेंगे तो आपको व्यू एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलेगा। डिस्प्ले में ये फ़ोन आपको 100% सेटिस्फाइड करने वाला है। और इस फोन में वन प्लस का पॉपुलर फीचर एलर्ट स्लाइडर भी मिलेगा। इसमें IR ब्लास्टर भी मिलेगा और इसमें 3.5 mm का हेडफोन जैक नहीं मिलने वाला है। वहीं इस फोन के प्रोसेसर का बात करें तो ये फ़ोन स्नैपड्रैगन 7 प्लस जेन 3 प्रोसेसर के साथ आएगा जो कि 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पे बना है, तो बैटरी इफिशियंट भी है और इसका एंटीटू स्कोर 13 लाख के आसपास रहेगा। फ़ोन परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा होगा। जब आप इस फोन में गेमिंग करेंगे तो गेमिंग आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे और एक गेमिंग करने वाले यूजर के लिए फ़ोन बेस्ट होगा। खास करके जो लोग BGMI PUBG ज़्यादा खेलते हैं उन लोगों के लिए फ़ोन बहुत अच्छा होगा। गेमिंग मक्खन के जैसा होने वाला है और ये फ़ोन एक नॉर्मल यूजर के लिए और ज़्यादा बढ़िया होगा। वहीं इस फोन के स्टोरेज और रैम टाइप का बात करें तो ये फ़ोन LPDDR5X रैम और UFS 4.0 स्टोरेज टाइप के साथ आएगा। और जब आप इस फोन में कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे या कोई एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे या एक ऐप से दूसरे पे स्विच करेंगे तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से होगा और फास्ट होगा। फ़ोन स्टोरेज और रैम टाइप में भी बेस्ट होगा। वहीं इस फोन के कैमरा का बात करें तो ये फोन रियर साइड से डुअल कैमरा सेटअप के साथ आएगा, जहां कि मेन कैमरा 50 MP का होगा। इसमें OIS भी रहेगा और 8 MP का अल्ट्रावाइड कैमरा होगा। सेल्फी में 16 MP का सेल्फी कैमरा होगा। देखिए, फ़ोन का कैमरा सेटअप ठीक ठाक होगा। अगर इसमें एक टेलीफोटो लेंस मिल जाता तो ज़्यादा बढ़िया होता। और इस फोन के रियर कैमरा से जब आप कोई फोटो क्लिक करेंगे या वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो क्वालिटी अच्छा निकाल के देगा। डिटेलिंग को अच्छे से मेंटेन रखेगा, कलर को अच्छे से बैलेंस करेगा, लो लाइट में भी अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छे लाइट कंडीशन में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। कुल मिलाकर के देखिएगा तो फ़ोन कैमरा में बढ़िया होने वाला है। और इस फोन के रियर कैमरा से आप 4K 60fps तक का वीडियो को रिकॉर्ड भी कर पाएंगे और लीक्स में बताया जा रहा है कि इस फोन में IP65 का रेटिंग भी मिल सकता है, तो ये फ़ोन थोड़ा बहुत बारिश और डस्ट को आराम से झेल सकता है। वहीं इस फोन के बैटरी का बात करें तो इसमें 5500 mAh का बैटरी मिलेगा, जहां 100 वाट के फास्ट चार्ज का सपोर्ट भी रहेगा, तो फ़ोन बैटरी में भी बेस्ट होगा। और ये फ़ोन डुअल स्टीरियो स्पीकर डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के भी साथ आएगा, तो फ़ोन मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस में भी बेस्ट होगा। और इस फोन में X-axis लीनियर मोटर का भी सपोर्ट मिलेगा, तो फ़ोन हैप्टिक फीडबैक में भी बढ़िया होगा। और ये फ़ोन 5G कनेक्टिविटी के साथ आएगा, इंडिया के सारे इंपोर्टेंट ब्रांड का सपोर्ट भी मिलेगा। 5G कनेक्टिविटी में फ़ोन बेस्ट होगा, स्पीड भी बढ़िया देगा। और इस फोन में Wi-Fi 6 का कनेक्टिविटी मिलेगा, इसमें Bluetooth 5.4 का कनेक्टिविटी मिलेगा और ये NFC के भी कनेक्टिविटी के साथ आएगा। और दोस्तों, ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ आएगा और इसमें 4 साल का मेजर अपडेट और 6 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलने वाला है। दोस्तों, यही सब पूरा डिटेल्स था ये वन प्लस नोट 4 से रिलेटेड जो कि इस वीडियो में आपको बताए हैं। ये सब डिटेल्स से तो देखिए साफ क्लियर है कि फोन लगभग सारे ही चीज़ों में बहुत अच्छा होगा, चाहे डिजाइन हो, बिल्ड क्वालिटी हो, डिस्प्ले हो, बैटरी हो, परफॉर्मेंस हो, कैमरा हो, मल्टीमीडिया हो, सारे चीज़ों में बेस्ट होगा। वहीं इस फोन के प्राइस का बात करें तो दोस्तों, इस फोन का
प्राइस इंडियन मार्केट में डिस्काउंट के बाद 27,999 रुपया रहने वाला है, यानी कि ये फोन 28,000 के प्राइस पे कार डिस्काउंट के बाद आपको मिलने वाला है। और आप अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल का वेट करेंगे तो ये फोन उस सेल में 25,000 या फिर 26,000 में आपको मिल सकता है, ऐसा लीक्स में बताया जा रहा है। ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में इस फोन पे स्पेशल डिस्काउंट ऑफर मिलने वाला है। वैसे दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जो भी अपडेट आया था OnePlus Note 4 से रिलेटेड वो सारा डिटेल्स आपको बता दिए। वैसे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।